यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां कंटेनर में लादकर चोरी छुपे पंजाब से बिहार लाई जा रही तकरीबन 1 करोड़ रुपए की कीमत की 735 पेटी अवैध शराब को एक अभियुक्त के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि संदीपन घाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शराब की अवैध तस्करी करने वाली गैंग के द्वारा गाड़ी में अवैध शराब लादकर पंजाब से बिहार ले जाई जा रही है, जिस पर रात्रि को संदीपन घाट पुलिस ने 13 मील तिराहे के पास से एक संदिग्ध को उसका कंटेनर रोका और जिस पर कंटेनर से ड्राइवर कूदकर भागने लगा। पुलिस ने तत्काल दौड़कर उसे पकड़ लिया। जो एक अभियान चल रहा है उसमें कौशाम्बी पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली कि हाईवे के रास्ते भारी मात्रा में शराब पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना को विकसित कर आज रात में संदीपन घाट पुलिस के द्वारा 13 मील तिराहे पर चेकिंग की गई और एक कंटेनर में 735 बोतल शराब, जो विभिन्न ब्रांड की है अंग्रेजी शराब, उसे बरामद किया गया।